आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो तमिलनाडु की एक शादी का है, जिसमें दूल्हा दुल्हन अपने पूरे परिवार के साथ डांस कर रहे हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि दुल्हन शादी से इनकार कर देती है और दूल्हा पुलिस स्टेशन पहुंचकर लड़की वालों पर केस दर्ज कर देता है। आप भी सोच रहे होंगे कि इस डांस वीडियो में ऐसा क्या है कि शादी का ये रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट गया। इस वीडियो के अंदर पेशे से इंजीनियर दूल्हे और पोस्ट ग्रेजुएट लड़की की प्री वेडिंग रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन डांस फ्लोर पर हैं और डांस कर रहे हैं। तभी दुल्हन का कजिन भी डांस फ्लोर पर आ जाता है और अपनी बहन के साथ डांस करने लगता है। व्हाइट शर्ट में दिख रहा दुल्हन का ये कजन इस दौरान अपनी बहन और जीजा के कंधे पर हाथ रखकर डांस करता हुआ भी नजर आ रहा है। दुल्हन के साथ दूल्हे के भाई को इस तरीके से डांस करता देख ये दूल्हे राजा इतना भड़क गया कि उसने दुल्हन के भाई को झटका देते हुए दूसरी तरफ फेंक दिया और अपनी होने वाली दुल्हनिया को एक थप्पड़ जड़ दिया। दूल्हे की इस हरकत से दुल्हन गुस्से से बौखला गई और उसने दूल्हे राजा को वहीं से बाहर का रास्ता दिखाते हुए शादी तोड़ दी और उसी तारीख पर किसी और के साथ शादी कर ली। बता दें कि ये शादी 20 जनवरी को होनी थी, लेकिन थप्पड़बाज दूल्हे की करतूत की वजह से दुल्हन के परिवार वाले ने उसी डेट पर अपने एक रिश्तेदार के साथ लड़की की शादी करवा दी। एक तरफ शादी हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ लड़की और उसके परिवार वालों के जरिए ठुकराया गया ये इंजीनियर दूल्हा महिला थाने पहुंच गया और शादी में हुए 7 लाख रुपए खर्च को लेकर केस दर्ज करवा दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।